नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई अगर हम ये कहें कि ये एक कंफर्मेशन हो गया है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों में दरार आ चुकी है, तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन? काफी लंबे समय से कयासों का दौर देखा जा रहा था, काफी लंबे समय से हर एक शख्स ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि भाई ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। मगर अब मानो एक के बाद एक सबूत इस बात की बयान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि हाँ, इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं है। बीते दौरान अगस्त्या नंदा का जहाँ पे फिल्म डेब्यू रहा, ये आप सभी जानते हैं कि उनका एक प्रीमियम रखा गया, जहां पर इस प्रीमियम में कहीं ना कहीं प्रीमियर के दौरान देखा गया बच्चन भी पहुंचे, नंदाज भी पहुंचे, तो वहीं यहां पर ऐश्वर्या ने कुछ ऐसी हिंट दे दी जिससे साफ तौर पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या ऐश्वर्या ने किया जिससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और अभिषेक में अब प्यार खत्म हो चुका है। देखिए हमारी ये बेहद ही खास पेशकश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानो इन दिनों खूब सुर्खियों का कारण बना हुआ है बच्चन परिवार, और उनके सुर्खियों का कारण बनने की वजह कुछ और नहीं बल्कि बच्चन परिवार में चल रही खटपट है। आपको जान के हैरानी होगी कि बीते दौरान जब एक बार अभिषेक बच्चन को इंटरव्यू के दौरान स्पॉट किया गया था, तो उनके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर मानो बवाल मच गया। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हो गया जिससे ये कंफर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई इन दोनों के रिश्तों में अब जो है खटास आ चुकी है। दरअसल बीते दौरान ही अगस्त्या नंदा की पहली डेब्यू की स्क्रीनिंग रखी गई, जहां पर पूरा बच्चन परिवार दिखा। आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूरा बच्चन परिवार दिखाई दे रहा है, मगर वहीं यहां पर गौर किया गया ऐश्वर्या के हाथों पर, जहां पर ऐश्वर्या ने भी अपनी वेडिंग रिंग को नहीं पहना हुआ था। दरअसल आपको जानकारी दे दे कि बीते दौरान अभिषेक बच्चन को इंटरव्यू के दौरान देखा गया था, जहां पर उनके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं थी, और काफी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में खटास आ चुकी है। आपको बता दे कि बीते लंबे समय से कहा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या जो है कहीं ना कहीं अब अलग अलग भी रह रहे हैं, और बच्चन परिवार में अब जो है सेपरेशन की खबरें तेजी से गर्माती हुई दिखाई दे रही हैं। जब अभिषेक बच्चन के हाथ सूने दिखाई दिए, उनके हाथों में उनकी उंगलियों में वेडिंग रिंग नहीं थी। 16 साल का खूबसूरत रिश्ता जो इन्होंने बखूबी निभाया, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता किसी भी पल टूट सकता है। तो वहीं इस वीडियो में आप देख रहे हैं ऐश्वर्या को अपनी बेटी आराध्या के साथ, मगर अगर आप गौर करेंगे ऐश्वर्या के हाथों में तो ऐश्वर्या की रिंग फिंगर खाली है, जहां पर उन्होंने वेडिंग रिंग को नहीं पहना हुआ है। भाई हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक बार जब बीते दौरान अभिषेक ने भी अपनी वेडिंग रिंग को नहीं पहना हुआ था, और फिर अब ऐश्वर्या का भी ये क्लिप सामने आ गया है जहां पर उन्होंने वेडिंग रिंग को नहीं पहना हुआ है, जिससे सोशल मीडिया पर मानो अब बवाल मच गया है और ये खबर तेजी से वायरल होती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल बताया तो ये जा रहा है कि दिवाली के मौके से ही जो है ऐश्वर्या अपने घर जलसा नहीं गई हैं, वो अपनी मम्मी के घर अपनी बेटी के साथ रह रही हैं। अब ऐसे में जब 1 नवंबर को ऐश्वर्या का जन्मदिन का खास मौका रहा, तब भी हैरान कर देने वाला वाक्य रहा कि बच्चन परिवार की तरफ से किसी भी सदस्य ने ऐश्वर्या को बर्थडे विश नहीं किया। इतना ही नहीं, हैरान तो तब होने वाली बात हुई कि जब अभिषेक ने देर रात जो है पोस्ट किया और उसमें सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख के ऐश्वर्या की तस्वीर को साझा किया। मगर आपको जानकारी दे दें कि भाई जब अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था, तो बेहद ही खूबसूरत शब्दों के साथ उन्होंने अपने पिता को जो है जन्मदिन की बधाई दी थी। अब वहीं दूसरी ओर जब नव्या का जन्मदिन है, और तो देखा जा रहा है कि नव्या के जन्मदिन के खास मौके पर जिस तरह से आज उनका जन्मदिन है, तो मामा अभिषेक बच्चन ने बेहद ही खूबसूरत उनकी बचपन की एक तस्वीर को साझा किया है। मतलब
यानी कि हर किसी के लिए वक्त यहाँ पर अभिषेक के पास है, मगर अपनी धर्मपत्नी ऐश्वर्या के लिए उनके पास वक्त नहीं है। एक बार फिर से चीजें जो है खराब होती दिखाई दे रही हैं। 16 साल का रिश्ता जितनी खूबसूरती के साथ जुड़ा था, अब ऐसा लग रहा है कि इस चार दीवारी में मानो कुछ ना कुछ खटपट जरूर हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि बताया तो ये भी जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता टूटने की वजह कोई और नहीं बल्कि श्वेता है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चन परिवार अपनी बेटी की इन्वॉल्वमेंट को अपने घर में रख रहा है और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और अभी जो है उन्होंने अपना प्रतीक्षा बंगला भी जो है उनके नाम कर दिया है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपया बताई जा रही है, तो उसके बाद से तेजी वाला चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया पर कि जो है वो दिन दूर नहीं जब बच्चन परिवार में सेपरेशन की खबरें सामने आएंगी। देखा आपने, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे ऐश्वर्या राय बच्चन का। ऐश्वर्या राय बच्चन की हाथों में वेडिंग रिंग का ना होना इस बात पर जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और अभिषेक जो हैं अब एक दूजे से खफा हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है क्या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब जो है इन दोनों के रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि वीडियोज में आपने साफ तौर पर देखा जिस तरह से ऐश्वर्या जो है मिडिल फिंगर में उन्होंने रिंग पहनी है, मगर अपनी रिंग फिंगर में उन्होंने वेडिंग रिंग को नहीं पहना। और आप बखूबी जानते हैं कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह भी बताया था कि हाल ही में अभिषेक बच्चन को भी इंटरव्यू के दौरान स्पॉट किया गया था विदाउट वेडिंग रिंग, जिससे कहीं ना कहीं इन चीजों में साफ तौर से क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि 16 साल का जो इनका खूबसूरत सा एक रिश्ता था, कहीं ना कहीं उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ी जरूर है। तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब इनकी जो तलाक की वजह है वो कुछ और नहीं बल्कि जो है वो ऐश्वर्या और अभिषेक को जुदा करने वाली जया बच्चन है, श्वेता बच्चन नंदा है। हालांकि क्या सच्चाई है ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, मगर ऐश्वर्या का विदाउट वेडिंग रिंग यहाँ पर पहुंचना और एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने भी वेडिंग रिंग नहीं पहनी हुई थी, इन चीजों में वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी आ रही है कि शायद इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो अब खत्म हो सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप मुझे दे दीजिएगा इजाजत, मगर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय।